हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सैकुलेंट प्लांट है एक, ये जो सीडम का, इसको कटिंग से ग्रो करना बताऊंगा और टिप्स और इसके केयरिंग टिप्स बताऊंगा। यह एक परमानेंट प्लांट है, जैसे कि और सैकुलेंट प्लांट सर्दियों के लिए तो जिंदा रहते हैं लेकिन समर आने पर वह मर जाते हैं, लेकिन ये ऐसा सीडम का प्लांट है जो गर्मियों में भी सर्वाइव कर जाता है। अब मैं इसको इस ये जो हमारा बड़ा सा गमला है इसमें जो लग रहा है बहुत घना हो चुका है सीडम का प्लांट, इसको कटिंग से ग्रो करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस छोटे से ग्रोइंग बैग में मैंने एक कटिंग ली और उसको इसमें दबा दिया। हल्की सी जो मिट्टी थी इसकी मॉइस्ट थी, लेकिन सबसे मेन चीज़ इसमें यह है वाटरिंग का। इसमें जैसे ही कटिंग लगाई जाती है तो इसमें एकदम पानी ना दें, इसमें पानी जब दें जब इसको 2-3 दिन हो जाए कटिंग को लगाए। अगर हम एकदम इसमें पानी डाल देंगे तो इसमें गलने का, इसको गल जाती है और इसमें जो है फंगस लगने का खतरा बन जाता है। एक जितने भी सैकुलेंट प्लांट होते हैं उन्हें हम जैसे कटिंग से ग्रो करते हैं तो उनमें एकदम पानी बिल्कुल ना और ना ही एकदम सनलाइट में रखें, डायरेक्ट शेडी एरिया में रखें। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो ये गोल्डन कलर का और येलो शेड आ रही हैं ऑरेंज कलर की भी, ये केवल सर्दियों में आती हैं। गर्मियों में जब ऐसे जैसे गर्मी बढ़ेगी या बरसात आएगी उस समय ये ग्रीन कलर का हो जाता है। ये मैंने सैकुलेंट फैक्ट्री से 2 साल पहले खरीदा था, फिर उसके बाद मैंने कटिंग से ही और लीफ प्रोपेगेशन से इसको अपने 2-3 बार ये हैंगिंग बास्केट बना ली हैं और कुछ अलग से ग्रो रखी हैं प्लांट मैंने। ये मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसको समर कभी ज़्यादा अटैक नहीं होता, गर्मी झेल लेता है थोड़ी बहुत। ये भी सैकुलेंट प्लांट जो होते हैं आप देख सकते हैं इनकी शेप इतनी अच्छी होती है जैसा कोई फूल खिल रहा हो। ये हमने एक इसमें छोटा सा गमला लिया जिसमें सोइल मीडिया है, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और सैंडी सोइल, इन तीनों का मिक्सर है और इसमें थोड़ा मैंने फंगिसाइड पाउडर मिलाया हुआ है। और मैंने इसी पेड़ से एक छोटी सी कटिंग ली है ऊपर की फूल सा, और मैं इसको हल्का सा इसमें छेद करके ऐसे दबा दूंगा। अब देखना, जैसे कि मैंने ये हल्का सा होल किया है ना, देखो इसमें इस तरह से करना होता है और फिर हल्का सा दबा के इसे और जितना इसके चारों तरफ है उसको मिट्टी को इसकी जो नीचे की यह है डंडी से इसे दबा देंगे, जिससे पानी देने के बाद ये हिले जुले ना जाए। आप देखते हैं मैंने बहुत सारी लीफ तोड़ी की है इसकी जो कटिंग के बाद मिली थी, मैं इसको अब लीफ प्रोपेगेशन में लगा दूँगा। मैंने ये इसको गमले में लगा दिया है और मैं इसमें चारों तरफ थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें पानी अभी नहीं डालूँगा, जब मैं 1-2 दिन में बाद ही डालूँगा इसमें। इससे ये अपनी रूट को डेवलप कर लेगा थोड़ी सी इसमें कुछ दिन तक, और इसमें इसे कुछ देर बाद पानी देने से क्या होगा, इसमें फंगस या ये जो होता है रूट रोट के जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती। इसी तरह से मैंने उसमें तो 2-3 कटिंग ली थी, एक और ये है वो गमला मैं इसमें लगाऊंगा, वही सोइल मीडिया है और उसी पेड़ की कटिंग है। देखिए इस कटिंग को भी मैं उसी तरीके से लगाऊंगा जैसा कि और कटिंग लगाई थी मैंने सैकुलेंट की पिछली बार।
दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वो तो लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की सूचना मिले।